चीज़ें विच आई लर्न ड्यूरिंग विवाह द मेकिंग ऑफ विवाह वॉज दैट टू थिंग्स जो मैंने लिटरली बोलूँ गांठ बांध ली अपने दैट आई विल से यू नो वॉट विवाह वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली दोनों तरीके से नॉट जस्ट प्रोफेशनली कि मूवी मिली मुझे और नेम फेम मिला और सब कुछ मिला. सूरज जी ने अपने जो उनके बॉय थे उनको भेजा और अम्ब्रेला देके और बोला कि उनके पास लेके जाओ ये अम्ब्रेला. हाउ कैन आई नॉट बी टच्ड बाय दीज थिंग्स एंड हाउ कैन आई फॉरगेट दीज थिंग्स. नमस्ते. 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार जुड़ रही है जो राजश्री की सबसे प्यारी भाभी है और टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे प्यारी माँ. चलिए मिलते हैं लता जी से. हेलो लता जी. हेलो. हेलो. आप बताइए आपका राजश्री के साथ सफ़र कैसा शुरू हुआ? सफ़र मतलब राजश्री के साथ जो सफ़र है ना ये मैं कहूँगी कि ये एक ज़िंदगी का सफ़र है. ऐसा लग रहा है जैसे कल ही तो आए थे. एक बात कहो पूनम, ये जो सगाई और शादी के बीच का वक्त होता है ना बहुत अद्भुत होता है. ये पल तुम्हारे और प्रेम की जिंदगी के सबसे यादगार पल होंगे, देख लेना. क्योंकि ये सिर्फ एक काम का सफ़र नहीं था, बहुत सारे लर्निंग्स का सफ़र था, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने का सफ़र था और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मिला वहाँ से, बहुत प्यार मिला. एक्चुअली क्या था कि जब मैंने राजश्री के साथ काम करना शुरू किया ना ये वो रहने वाली महलों से, तो उसके बाद फिर कंटिन्यूसली उनके साथ ही काम करती रही काफ़ी टाइम तक मैं. आई एम सो फॉर्चुनेट कि उसके बाद एक के बाद एक जो भी शो आता था मुझे बुलाया ही जाता था और साथ में बस फिर वो लगातार एक सिलसिला सा बन गया और लगातार जो है काम शुरू हो गया. अमेजिंग. और सिर्फ डेली सोप नहीं, आपने राजश्री के साथ दो बड़ी मूवीज़ भी की है, विवाह टू स्टार्ट विद, आपको विवाह में कौन भूल सकता है, जैसे मैंने कहा सबसे प्यारी भाभी, ऑल ऑफ देम वांटेड अ भाभी लाइक यू. विवाह कैसे आया आपके पास? सो अगेन आई से फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने ऐसी मूवीज़ की हैं जो आज तक लोग याद रखते हैं. आई एम पार्ट ऑफ दोज मूवीज़. एंड विवाह का क्या है कि मुझे अचानक एक दिन फ़ोन आया ऑफिस से और मुझे मीटिंग के लिए बोला कि मूवी कर रहे हैं सर सूरज जी, तो आप एक कैरेक्टर है आप आएंगे उसके लिए मीटिंग करनी है, आप आएंगे? ऐसा पूछा. मतलब मैंने सोचा आएंगे मतलब आई विल रन. तो एकदम आई वॉज वेरी एक्साइटेड. और एक आई डोंट नो कुछ दिन पहले जो है एक इंसिडेंट बताती हूँ. आई थिंक आई डोंट नो आई बिलीव अ लॉट इन द यूनिवर्स. सो कुछ दिन पहले ना एक टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था जब मैं वो रहने वाली महलों की कर रही थी, तो उसमें पूछा था दैट हाउ आर यू फीलिंग कि आपको इनका सीरियल मिला, तो आई वाज सेइंग दैट आई एम अमेज, तो अगर आपको इनकी मूवी मिल जाए, आई डोंट नो ऐसे कुछ पूछा उन्होंने, और मैंने बोला कि अगर मूवी मिल जाएगी आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई विल बी कि मैं सीरियल करके इतनी खुश हूँ. तो आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं कि ऐसा इंटरव्यू किसी ने देखा और हुआ, लेकिन इट जस्ट हैपेंड एंड मेबी द यूनिवर्स वॉज लिसनिंग टू मी एट दैट टाइम. तो मुझे बुलाया गया एंड आई ऑडिशन्ड फॉर इट एंड बस हो गया. कैसा था वो मूवी का एक्सपीरियंस? दिस मस्ट बी द फर्स्ट टाइम आप सूरज जी से मिले और उनके साथ काम की. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? यस, सूरज जी से भी मिले, इनफैक्ट राज बाबू से भी मिले. एंड पूरा वो जो जब पहली मीटिंग ही थी ना सबके साथ, जब एक्सप्लेन कर रहे थे स्टोरी लाइन और सब कुछ है, वो ही इतना एक तो थोड़ा सा नर्वसनेस और एक्साइटमेंट मिक्स थी मेरे अंदर. जब मुझे अभी भी याद है ऑफिस में हम लोग बैठ के सब डिस्कस कर रहे थे और मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे सारी चीज़ें, तो बहुत मिक्स ही फीलिंग्स थी. और जिस तरह से डिटेल में वो समझा रहे थे मुझे, तो आई वाज सो हैप्पी कि माय गॉड इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर आई एम गेटिंग टू प्ले. एंड डेफिनेटली आई वाज थिंकिंग कि मैं अपना 100% दूंगी. एंड दैट आई विल से यू नो व्हाट विवाह वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली दोनों तरीके से. नॉट जस्ट प्रोफेशनली कि मूवी मिली मुझे और नेम फेम मिला और सब कुछ मिला, बट पर्सनली बिकॉज आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम सूरज जी, हिज टीम, एवरी वन देयर, फ्रॉम राज बाबू. सबसे मुझे इतना सीखने को मिला कि आज भी बिलीव मी, आज भी जब कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वॉट शुड आई डू, एंड नाउ आई एम एक्चुअली टेलिंग यू द ट्रूथ दैट आई स्टिल थिंक कि अगर सूरज जी होते तो मेरी जगह पे क्या करते.
सच में. और कभी अगर ऐसा लगता है ना, यू नो, हम ऐसे एक मीडिया में है काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको, बहुत सारे अलग 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 पोजीशंस होती हैं सबकी. कोई किसी का बहुत नाम होता है, किसी का कम होता है, किसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास मीडियम होता है, कैरेक्टर्स होते हैं. लेकिन मैंने देखा कि इन सब चीज़ों से सूरज जी या उनकी टीम या सब लोग, कोई छुआ नहीं था इन सब चीज़ों से. यू नो, दे आर नॉट टच बाय ऑल दीज थिंग्स बेसिकली. सो आई वॉन्टेड टू लर्न दिस थिंग. दो चीज़ें विच आई लर्न ड्यूरिंग विवाह, द मेकिंग ऑफ विवाह वॉज दैट टू थिंग्स जो मैंने लिटरली बोलूँ गांठ बांध ली अपने साथ. एक तो क्या है कि चाहे वो किसी भी लेवल का इंसान हो या किसी भी एज ग्रुप का हो, आपको उसको इक्वली ट्रीट करना है. चाहे वो बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, जो भी है, या वो कोई स्पॉट दादा है, या कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर है, या कोई भी है, या कोई बहुत बड़ा स्टार है. यू हैव टू ट्रीट एवरी वन विद रिस्पेक्ट एंड इक्वली. आई लिटरली टाइड दिस थिंग की आई विल रिमेंबर दिस थ्रू आउट माई लाइफ. एंड सेकेंड इज दैट हाउ यू कैन बी अनटच्ड बाई दीज वर्ल्डली थिंग्स लिविंग इन दिस इंडस्ट्री. हाउ यू कैन नॉट ब्रिंग योर ईगो, ईगो को कैसे आप अपनी हटा सकते हो उस टाइम पे, या आपको लगता है ना अरे मैं तो ये, मैं तो वो. तो वो चीज़ जो मैंने सीखी है ना, दैट इज लाइक प्राइसलेस. ब्लेस यू भाभी. इस समय सोम सरोवर की जलवायु कैसी होगी? अरे वाह, आप तो अभी से पूनम की भाषा बोलने लगे. इट्स अ लेसन फॉर अस ऑल्सो. आज रांची के बारे में बात करो और आपने इतनी बड़ी लेसन दे दी हम सबके लिए. एक्चुअली हमें शीला जी बता रही थी जब वो हम साथ साथ है कि शूट पे गई थी, तो इवन शी वॉज फीलिंग कि अरे इतने बड़े एक्टर्स हैं, मैं हूँ. तो वो बता रही थी सूरज जी ने उन्हें जाके सबके साथ इंट्रोड्यूस कराया कि ये भाभी का रोल प्ले कर रही है, ये है तब्बू, ये है शीला, ये है मुनीश बैल, ये है शीला. आपके लिए भी आप आलोक नाथ जी हो, शाहिद कपूर हो, अमृता राव हो, कैसा था वो बॉन्डिंग ऑन सेट? ओके, सबसे पहले आलोक जी के साथ तो मैं ऑलरेडी शो कर ही रही थी. ही वॉज प्लेइंग माई फादर एंड वन मोर शो आई थिंक आई वॉज डूइंग जिसमें वो मेरे फादर. तो इनफैक्ट आई रिमेंबर वन सीन जब क्या हो रहा था इन दिस वॉट वॉज हैपनिंग. ही वॉज नॉट माई फादर, बट वो आदत सीरियल की थी. सो इन जैसे शॉर्ट एक्शन होता था मैं उनको बुलाती थी पापा. पापा बोलती थी. तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अनुपम खेर जी, आई यूज्ड टू लुक एट हिम एंड से पापा एक कट हुआ पापा. तो मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो सूरज जी वो स्माइलिंग एंड यू सेइंग, सो आई डिडंट नो व्हाट इज द मिस्टेक आई मेड, आई एम कॉलिंग हिम, देन आई रियलाइज ओ गॉड ही इज नॉट लाइक माय पापा इन दिस, पापा वो है इसमें. सो इनफैक्ट इतना लाइट मूड था, उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ पर मेरी हरकत में डांटा नहीं, कुछ नहीं. इनफैक्ट ही ऑल्सो लाफ्ड सो मच, इज लाफिंग लाइक आउट बिकॉज मेरी हंसी रुकी नहीं रही थी एट माई दिस थिंग कि मैं कैसे, क्योंकि आदत पड़ी उनको पापा बोलने की तो उन्हीं को बोल रही हूँ पापा. पापा, हम लोग यहाँ के तीन बड़े बड़े कमरों में आराम से रह सके इसलिए चाचा जी ऐसा कर रहे हैं. नहीं 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 जी. सो उनको उनके साथ तो जान पहचान थी. एंड बाकी सबसे इंट्रोड्यूस कराना, आई रिमेंबर वन थिंग, इंट्रोड्यूस तो कराया एंड इट वाज वेरी नाइस. बिकॉज क्या होता है जब कैप्टन ऑफ द शिप जो होते हैं वो बहुत उनके ही हाथ में सारा कंट्रोल होता है. व्हेन ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, वेरी नॉर्मल, वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही इज़ सो वार्म एंड लविंग, तो एवरी वन, सब लोग चारों तरफ ऐसे ही हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली सब में ही ऐसा था एंड एक्चुअली दे ऑल आर वेरी नाइस. तो ये जो था ना ऐसे था. एंड वन थिंग आई स्टिल रिमेंबर, एक गाना था जो मूवी में नहीं था, विवाह में आया नहीं था, वी वर शूटिंग माँ डालिन में शूट था एंड धूप थी काफ़ी एंड शूटिंग चल रही थी होल डे, मतलब काफ़ी तेज़ धूप में, रिफ्लेक्टर्स भी थे, सब था, शूट हो रहा था. देन व्हाट हैपेंड कि आई डिड नॉट हैव अ बॉय और समवन जो मेरे साथ हो. तो मुझे याद है कि सूरज जी ने अपने जो उनके बॉय थे उनको भेजा और अम्ब्रेला देके और बोला कि उनके पास लेके जाओ ये अम्ब्रेला. How can I not be touched by these things? Yeah, and how can I forget these things? Very emotional. Yeah, yeah. इतना अच्छा लग रहा है ये सब जान के जो हमें कभी पता ही नहीं होता. How was working in Prem Ratan Dhan Pai? Again, जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने बोला मुझसे कुछ पूछना नहीं है, you just have to call me. मतलब मुझे आपको ये बोलना है कि you have to do this, you don't have to ask me because they are so I'll say एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट है मेरे मन में. तो मैंने कहा डोंट हैव टू आस्क मी. एंड इवन
मैं बिल्कुल गई और उन्होंने जो बताया दिस इज़ इट, वो बोल रहे थे ये है छोटा, आई वॉज लाइक एब्सोल्युटली फाइन. मतलब आप मुझे बोल दोगे ना कि लता तुम वहाँ कोने में खड़े हो जाओ तो मैं खड़ी हो जाऊँगी. आज भी अगर मुझे बोलते हैं इस मूवी में तुमको कोने में खड़े होना तो मैं खड़ी हो जाऊँगी, बिकॉज मुझे मालूम है वो इतनी बारीकी से काम करते हैं कि वो कॉर्नर भी जस्टिफाइड होगा. राइट दैट विल ऑल्सो बी जस्टिफाइड. एवरी कैरेक्टर इज एनी वे मेमोरेबल उनके पिक्चरों में, तो इतना वो होता है तो यू कैन फियरलेसली से येस एनी टाइम टू हिम. एंड अगेन जब मैं सेट पे पहुंची तो आई वॉज लाइक माई गॉड ये शीश महल, आई वॉज लाइक mesmerized. I was like, what is this? I did not have words. And again, I was really thanking my good fortune ki matlab are thank you, mujhe itne acche set pe maine socha nahi tha aise sheesh mahal jaise set pe jo hai hame kaam karne ko milega aur itna acha. And hamesha ki tarah waise hi he explained me everything and sara kuch jaise hota na van mein aake explain karna batana nicely, bliss, it's blissful. सब राजश्री के खाने की बहुत बातें करते थे. क्या कोई स्पेशल खाना होता था? लोग कह रहे थे कि मारवाड़ी खाना कभी कभार आता है घर से, या सेट का खाना प्योर वेज बहुत ही टेस्टी होता है. आपको कोई खाने की स्पेशल मेमोरी? खाने की मुझे एक मेमोरी है एक्चुअली, सच बताऊँ तो मुझे खाने फूड आइटम से ज़्यादा एक मेमोरी है कि मोस्टली सब लोग साथ में बैठ के लॉन्ग सी टेबल लगा के जो है ना जोड़ देते थे, नहीं तो बाहर अगर आउटडोर है तो सब लोग साथ में खाना खाया करते थे. दैट अगेन यूज़ टू बी अ वेरी, अगर किसी का मन हो तो आराम से वैन में बैठ सकते हैं. देयर वर डेज व्हेन आई यूज़ टू बी टायर्ड या नहीं हो रहा है तब मैं वैन में खाती थी, बट आई यूज़ टू प्रेफर कि सब लोग साथ में आराम से वो जो बैठ के फैमिली लंच होता है ना वैसा होता था. एक वाइब सी बन जाती है नॉर्मली. Is there any special day on set जो आपको याद हो, आपका पहला दिन हो या आखिरी दिन हो पिक्चर में, जो आपको याद हो कि ये पहले दिन मुझे ये फील हो रहा था और कुछ हुआ, या आखिरी दिन जब आपने विवाह को रैप किया या प्रेम रतन धन पायो? एक्चुअली इफ आई स्टार्ट शेयरिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस ना इतने हैं कि मैं रुकूंगी नहीं, बट यस प्लीज हम सुनना चाहते हैं. दो तीन ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ. वन इज वाइंड अप डे, डेफिनेटली वो जो वाइंड अप होता है ना तो दे राइट अ काइंड ऑफ सॉन्ग फॉर एवरी आर्टिस्ट. एक वो गाना होता है जो पढ़ते हैं पूरा, एंड जब वो गाना पोइट्री आल से पोइट्री है और वो गाना बोलूँ पोइट्री बोलूँ जब वो पढ़ा जाता है ना तो हर एक कैरेक्टर के लिए लिखा हुआ होता है और हर एक आर्टिस्ट को भी ध्यान में रख के लिखा होता है. एंड एवरी वन इज़ इन टू टीयर्स बिकॉज वो इतना इमोशनल मोमेंट होता है. आई स्टिल रिमेंबर हम वाइंड अप कर रहे थे तो जब वो पढ़ रहे थे, सूरज जी पढ़ रहे थे, एंड इट वॉज सच एन इमोशनल मोमेंट एंड टीयर्स वर कमिंग आउट ऑफ एवरीवन्स आइज. यस यस लास्ट इवेंट जो होता है डेडिकेट किया होता है वो सॉन्ग, या हाउ वी लिव लाइक अ फैमिली एंड हाउ इट इज़ वेरी टचिंग. एक तो वो, एंड सेकेंडली शूट के दौरान का जो है वो तो मतलब देयर वर मेनी सीन्स, द वे सूरज जी यूज़ टू एक्सप्लेन द सीन, वो जिस तरह से सीन समझाते थे ना वो आपको उसमें ले ही जाते थे. तो मैं तो बोलूँगी कि जो भी काम मैंने किया उसका क्रेडिट मुझे नहीं उनको जाता है, बिकॉज हाउ ही यूज़ टू टेक मी. देयर वॉज दिस वन सीन व्हेन आई हैव टू टेल अमृता इन द किचन वी आर सिटिंग, और वो बोलती है शादी और जो एंगेजमेंट के बीच का गैप है वो बहुत सुंदर समय होता है, वो बहुत सुंदर होता है. ऐसा लग रहा है जैसे कल ही तो आए थे. एक बात कहूँ पूनम, ये जो सगाई और शादी के बीच का वक्त होता है ना बहुत अद्भुत होता है. ये पल तुम्हारे और प्रेम की जिंदगी के सबसे यादगार पल होंगे, देख लेना. How he took me, he made me live that moment. उन्होंने पूरी एक मुझे नरेट की स्टोरी, कुछ अपना इंसिडेंट बताया, उसके बाद वो लेते गए उसमें लेते गए. एंड वेन ही सॉ इन माई आईज ही वॉज टेलिंग एंड ही सेड लता वी आर रेडी. एंड आई वॉज लाइक माई गॉड, बाद में सब रियलाइज होता. एंड आई जस्ट वेंट इन टू दैट मूड एंड ही जस्ट टुक द शॉट एंड इट केम आउट ब्यूटिफुल. मॉर्निंग में रखा था टाइम, बट ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एक्चुअली बिकॉज ही मेड मी गो थ्रू इट. वो जो लेयर्स है ना उसके लेके गए उस टाइम में. It is, I am getting goosebumps when I am speaking about him. No, you know? No, your role was it is very amazing. Beautiful and in that movie. Role के साथ साथ करवाने वाले जिन्होंने करवाया मैं तो उनको ही credit दूंगी actually because अलग ही experience है. And again, this was again one thing. So सारे scenes ऐसे लेकिन समझाते थे अच्छे से. And one more thing which it is very personal but I would like to share because we are talking about Rajshri and Suraj ji here.
is like I was going through a when I was dubbing for Vivah, I was going through a very kind of a very low phase in my life due to some personal issues. And kya hua ki main dubbing karte karte ek din I just could not control. I don't know what happened. I broke down. I started crying. And I started crying. And then I was, then meri dubbing jo hai, phir uske baad, it was over. He said, we'll do it next day. Yeah, you just relax and stay. And next when I came there, so he gave me a book, which I have it till date, but it's at my mummy's house. I could not get it. Main dikhati. Nahi to wo kitab. And he, unhone likh ke diya apne haath se that Lata, this is, I hope that this gives you the strength, which this gave me in my time. And this book, so it, and with his signatures, he gave me that book. And it's a Robin Sharma author's book. And coincidentally, I used to read Robin Sharma before that also. But since that day, I became a diehard fan of his. Main pehle se padhti thi, but wo to din tha, that was like, and I have kept that book very nicely till date. It is with me. It will be there for with me forever. I wish I had it. I wanted to show that actually. So, wo itna kisi ke liye sochna, jana. किताब पे मैं ये सोचती हूँ मतलब एक इंसान ने कितना मेरे लिए किया सोचा कि इसको आज तकलीफ़ है शायद ही किताब से होगा शायद खरीदी हो या मंगवाई हो उस पर लिखा होगा सोच के फिर वो देना इट्स ओह आई डोंट हैव वर्ड्स राइट ये जस्टर करने की ज़रूरत नहीं थी बट ही कुड हैव जस्ट पैटेड मी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ दैट वुड हैव बीन मोर देन दैट चेंज्ड योर लाइफ इतना अच्छा लग रहा है सुन के हम सब वो मूवीज देखकर बड़े हुए हैं वो मूवीज देखा है आज जब उसके बाहर के किस्से जानते हैं वी नो व्हाट ऑल गोज इनटू मेकिंग दैट भाभी सचमुच बोलो मैं छू के देख लो अभी हम आपके साथ करेंगे फोटो बूथ सेशन जहां हम आप ही की मूवी से आपके स्टिल्स लेकर आए हैं आप बताइए उस मोमेंट पे आपके साथ क्या हो रहा था या उस दिन शूट पे कुछ एक्साइटिंग हुआ है तो ये फर्स्ट है हमारे विवाह से yes. पापा खाते समय अखबार पढ़ना अलाउड नहीं है पापा Only business news, please. Business के लिए पूरा दिन पड़ा बेटा नाश्ता टाइम इज फैमिली टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके सो दिस वॉज द फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग एक्चुअली ये मेरा पहला सीन था एंड क्या हुआ कि मैंने किया एंड आई वॉज सो एक्चुअली अंदर से नर्वस थी एक्साइटेड थी अगेन मिक्स फीलिंग्स थी एंड सूरज ही वॉज वेरी हैप्पी उन्होंने जैसे बताया ऐसे करना करा एंड ही वॉज सेइंग इट्स नाइस इट्स वेरी गुड बट यू विल नॉट बिलीव ये पहला दिन था तो होल डे घर आने के बाद भी रात तक आई जस्ट केप्ट थिंकिंग ये जो है मैंने ठीक किया कि नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं मैंने ऐसे बोला कि नहीं सो वो पूरा जो है ना दिन रात मेरी इसी की यादों में गई थी सीन की ये दूसरी बताए प्रेम जब ये पहली बार मुझे देखने आए थे तो क्या तैयारी करके आए थे सवालों की पूरी लिस्ट रट के भैया पहला सवाल क्या पूछा था पहला सवाल वो हाँ यही पूछा था कि एक गिलास पानी मिलेगा पहला भी यही और आखिरी भी यही चाचू हाँ क्या आप इनसे शादी कर रहे हो क्या ये भी आपको गुड नाइट किस देगी जैसे मम्मी पापा को देती है बदमाश अरे कुछ भी कह देता है कभी भी गॉट बी केयरफुल व्हाट यू से इन फ्रंट ऑफ दिस गाय चलो बदमाश सोने का टाइम हो गया चलो गुड नाइट बहुत बदमाश हो गया आजकल ना ओह दिस वाज अ ब्यूटीफुल सीन अब ये जब तक सीन हुआ ना तब तक आई थिंक वो शायद ये सोच के ही करते होंगे तब तक हम लोग एक दूसरे के साथ सब बहुत कंफर्टेबल हो गए थे वी वर एक्चुअली लाइक अ फैमिली की तरह हो गया था एंड आई लव डूइंग दिस सीन स्पेशली जब मैं बात करती हूँ शाहिद से भी एंड हाउ वी टीज समीर इन दिस एंड पूरा जो है ना इट वॉज ब्यूटिफुल सीन हमें मैंने इंटरव्यूज़ में पढ़ा था रेणुका मैम ने कहा था कि राजश्री मूवीज़ नहीं फैमिलीज़ बनाती है yes. exactly वही बोल रही yes. फैमिली बनाती right. है वेरी ट्रू नेक्स्ट ये भावना भावना अरे क्या कर रही हो तुम क्या है वो देखो क्या द
दिस आई अगेन हैव टू टेल यू अबाउट दिस थिंग दैट मुझे सूरज जी ने पहले तो बताया था ये सीन है इट्स इन द वाटरफॉल एंड आई वाज लाइक ओके. तो उसके बाद जो है ना शूट करने के कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया मुझे खुद, लता आर यू कंफर्टेबल, एंड आई वाज लाइक यस सर इट्स एब्सोल्युटली फाइन आई एम कंफर्टेबल. ही सेड आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर वंस अगेन दैट इफ़ यू आर कंफर्टेबल, नहीं तो कोई बात नहीं, हु विल से दैट, नहीं तो कोई बात नहीं, हु विल वांट टू रिमूव वन सीन और चेंज वन सीन, एवरीवन विल से द स्क्रिप्ट डिमांड करता है. हां एग्जैक्टली एंड ही पर्सनली कॉल्ड to ask me again. That was a wonderful gesture. I don't have words for him actually. bahut badi baat hai na. kya bole kya bole re mil kare kya bole. ओके सो अगेन ये भी शुरू में हुआ था सीन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे एंड द सेट, जब मैं सेट पे पहुंची तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड ब्यूटीफुल एंड हाउ, इतना खूबसूरत इतना ऑथेंटिक सेट था. एंड अगेन छोटी छोटी चीज़ों में इनक्रेज करते रहते थे सीन में एंड आई लव द सीन वो जो टेरेस पे जाना होता है लेके आना एंड दैट ना, आई जस्ट लव दैट डूइंग दैट बिट इन दिस. वो एक्चुअल में होता भी है ना अरेंज मैरिजेस में इन जनरल, वो बहुत अच्छा बिट था. ये थोड़ा क्रूशियल सीन. एक्सक्यूज मी भावना, एक मिनट. अरे क्या है? क्या बात है भाभी? Yes, I remember we did it around 3:30 or 4 a.m. सुबह का हुआ था दिस थिंग एंड अगेन इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल सीन एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस सीन टू हैपन क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं हाउ आई विल परफॉर्म इन दिस सीन. बट वेन इट हैपेंड इट वेंट वेरी स्मूदली एंड वही चीज़ है ना, वो इतना ईजी कर दिया था उन्होंने उसको एंड इट वेंट वेरी स्मूदली एंड मतलब आई डिड नॉट कम टू नो कि कब मैंने ये परफॉर्म कर लिया सीन, नहीं तो ये मेरे लिए था कि ना ज़्यादा होना है ना कम होना है. तो ही डिड नॉट वॉन्ट हिज आर्टिस्ट, इनफैक्ट राजबाबू यूज़ टू से कि आर्टिस्ट की आँख में के बाहर हम आंसू नहीं चाहते हैं बिकॉज वेन दी आर्टिस्ट इज़ नॉट क्राई सिर्फ आँख गीली रहती है देन दी ऑडियंस फील्स फॉर दैट पर्सन एंड इफ द आर्टिस्ट इज़ क्राइंग अलॉट देन ऑडियंस उतना नहीं फील करती है. सो सम हाउ यूज़ टू ट्राई टू बैलेंस, तो वो था कि आँख लंबी होनी चाहिए लेकिन एबी सो आई वॉज वेरी थिंग पता नहीं ये कैसे एक्यूरेसी इतनी कैसे आएगी और इतनी बड़ी स्क्रीन पर तो अंदर अंदर आँख के सब दिखता है पूरा, कितना कितनी वेट आइज है वो भी दिखता है एंड but then he made it very easy, it was wonderful. I remember shooting in mud island. ye hamare interviews mein suna hai ki raj babu kehte the aansu nahi aane chahiye, aansu nahi aane chahiye aankh ke liye, sirf aankhon se acting karna, aansu mat nikalna, aansu bahar nahi nikalna, aankh ke liye ho jaye you're feeling it that's okay. aur ye last which was a very emotional scene but I really like the scene where you just hold his hand and that's all is needed at that moment. एंड इसने जो है ना एक अलग ही लेवल, मतलब मैरिज का जो एक मीनिंग ही बदल दिया था विवाह ने ना सच में, बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट इट मेड इट स्पिरिचुअल आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल लेवल हो गया था शादी का. इट वॉज नॉट दिस थिंग दैट सी दिस इज़ वॉट इट इज़, सी दिस इज़ लव एंड दिस इज़ मैरिज. So it was in a very simpler way, kuch aisa shosha nahi, simple words mein kya kya. Toran taang bhi rahi thi simply and I'm just hanging the toran and everything. So it was very real also, very real. बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ बात करके, राजश्री की सारी यादें ताज़ा कर ली हमने. यस यस मैंने भी 75 years पूरे हो रहे राजश्री के लिए, तो आपके राजश्री के लिए क्या विशेज होंगे? मेरे तो विशेज़ हैं दैट आई विल से दैट 75 years से यू हैव नॉट जस्ट बीन मेकिंग मूवीज़, यू हैव बीन मेकिंग क्रिएटिंग अ डिफरेंस टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइव्स एंड आई एम वेरी श्योर कि राजश्री हमेशा ऐसे रहने वाला है और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब
मेरे बच्चे, मेरा बेटा, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे हमेशा जो है ना राजश्री मूवीज़ देखते रहें एंड दे शुड लर्न फ्रॉम इट. और सबको जो है ना ये एक्सपीरियंस, ये जो सीख है लाइफ की, ये देखने को मिलती रहे. कंग्रेचुलेशंस ऑन 75th एनिवर्सरी. थैंक यू सो मच लता जी. हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ही गोइंग डाउन द मेमोरी लेन. थैंक यू सो मच. होप टू सी यू मोर इन राजश्री मूवीज. ओह, आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड.